नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। और आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें आज जानकारी देंगे आपको स्ट्रिप सीडर के बारे में। इसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की, जिसमें हम आपको बताएंगे बकरी पालन के बारे में। और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। पराली का उचित प्रबंधन आज के समय की मांग है। हमारे किसानों के सामने ये बड़ी चुनौती रहती है कि पराली का प्रबंधन कैसे करें। इसीलिए हमारे कृषि संस्थान इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं और कई तरह के उपयोग लगातार किए जा रहे हैं और उनका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पराली को नहीं जलाते हैं। किस तरीके से पराली का प्रबंधन किया जा सकता है, इसके कई रास्ते हैं और उन्हीं में से एक है स्ट्रिप सीडर। इसका काम भी हैप्पी सीडर जैसा ही है। तो आइए जानते हैं कि इस मशीन में क्या विशेष है, हमारे किसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ नित नए प्रयोग कर पराली के बेहतर इस्तेमाल के लिए अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। इन अनुसंधानों का नतीजा है कि पराली को जलाना अब लगभग बंद सा हो गया है। साथ ही किसान पराली को खेतों में ही जोतकर बेहतर पैदावार तो ले ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग भी कर रहे हैं। पराली को खेत में सीधे जुताई करने के लिए स्ट्रिप सीडर की सफल उपयोगिता देखी गई है। इस मशीन की मदद से पराली प्रबंधन में सहायता मिलती है। स्ट्रिप सीडर से धान के खेत में पराली होने पर भी गेहूं की बिजाई की जा सकती है। ये मशीन कतारों में बीज बुआई का काम करती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जहां बीज डालना होता है ये उसी हिस्से को जोतती है। इस तरह कह सकते हैं कि इसका कार्य बहुत कुछ हैप्पी सीडर की तरह ही है। इससे बिजाई करने से अंकुरण अच्छा होता है, साथ ही भरपूर पैदावार मिलती है, जबकि जुताई करने में लागत भी कम आती है। स्ट्रिप सीडर किसान भाइयों, ये धान के खेत में कनक बीजने की जो मशीन है, ये जैसे आपने पहले हैप्पी सीडर मशीन के बारे में सुना है, वो धान के खेत में गेहूं की बिजाई करती है, वैसे ही ये भी मशीन धान के खेत में गेहूं की बिजाई करती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये मशीन जहां पे हमने बीज डालना है उसी हिस्से को ये जोतती है, थोड़ी सी उसमें टिलेज करती है। और बाकी जो खेत है वो जैसे हैप्पी सीडर में होता है वैसे ही इसमें खेत रह जाता है। इसका हमें फ़ायदा ये है कि जब इस मशीन से हम बीजते हैं तो फसल की जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है और शुरू में जो खेत है देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना दूसरी जो और मशीनें हैं जैसे सुपर सीडर वगैरह हो गया, उसमें पूरा जो खेत है उसकी बहाई हो जाती है, तो उनका जो खर्चा है थोड़ा ज़्यादा है। इस मशीन में जहाँ पे हमें टिलेज करनी है सिर्फ उसी जगह पर बहाई होती है, बाकी जो खेत है हमारा ऐसे ही रह जाता है और कम लागत में हम अच्छी गेहूं की जो फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मशीन है ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इसको अभी एडहॉक रिकमेंडेशन दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये किसानों के बीच में प्रचलित होगी और ये जो धुएं पराली को आग लगाने वाली जो समस्या है इसको हल करने में ये बहुत सहायक होगी। स्ट्रिप सीडर मशीन पराली प्रबंधन में सहायक, इससे धान के खेत में पराली होने पर भी गेहूं की बिजाई संभव। मशीन कतारों में बीज बुआई का काम करती है, जिस हिस्से में बीज डालना होता है ये उसी हिस्से को जोतती है। इससे बिजाई करने से अंकुरण अच्छा होता है, फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, सिर्फ जरूरी हिस्से को जोतने से लागत भी कम आती है। स्ट्रिप सीडर की मदद से पराली प्रबंधन तो होता ही है, साथ ही गेहूं की पैदावार भी अच्छी मिलती है। इस तरह देखा जाए तो स्ट्रिप सीडर किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर उन किसानों के लिए जो पराली को खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी स्ट्रिप सीडर के बारे में और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हर बार हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। जी हाँ, बकरी पालन की बात करें तो ये हमारे छोटे किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आय का एक उनके लिए अच्छा साधन है और साल भर वो बकरी पालन से आय ले सकते हैं। साथ ही वो किसान जिनके पास भूमि कम है उनके लिए भी बकरी पालन बहुत अच्छा विकल्प है। तो अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। बकरी पालन से बेहतर लाभ लेने के लिए पशुपालकों को कई बातों का ध्यान रखना होता है। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में प्रजनन करने लगती है। प्रायः एक बकरी 2 साल में 3 बच्चे तक देती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इस दौरान पशुपालकों को ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। गाभिन बकरियों के खान पान का विशेष ध्यान रखें। अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा न रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोंकाडीन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसीलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा होना चाहिए। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। ठंड के मौसम में गन्ने का सीरा जरूर दें। इन सबको चारे में बकरियों को खिलाया जाएगा तो बकरी में मांस के साथ साथ दूध में वृद्धि होगी और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। इस दौरान आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित करने के लिए उसे सूखा और साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसीलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें, जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है,
और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है। तो ये थे बकरी पालन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंहपका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान की कहानी यानी उन किसानों की दास्तां जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से, परिश्रम से एक नई तस्वीर पेश की है जो कि दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण है। ऐसे ही किसान हैं अजय सिंह, जिन्होंने ये समझ लिया है कि आज का दौर जैविक खेती का दौर है, क्योंकि उपभोक्ता अब सचेत हो चुका है, उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता है और बाजार में जैविक चीज़ों की ज़्यादा मांग है, किसान भी इससे अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं अजय सिंह की कामयाबी की कहानी। आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण में हो रहे बदलाव युवाओं का ध्यान खींच रहे हैं। यही वजह है कि कई युवा उच्च शिक्षा लेने के बाद और बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ कृषि की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अजय सिंह। अजय सिंह पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इन 4 सालों के पहले अजय के मन में कृषि से जुड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आए दिन रासायनिक खाद के प्रयोग और इससे होने वाले दुष्परिणामों ने अजय को खेती की तरफ मोड़ दिया। MBA करने के बाद अजय ने कई कंपनियों में अच्छे पद पर रहते हुए काम किया, लेकिन 2016 में किसानों की दशा को देखते हुए अजय ने जैविक खेती करने का मन बनाया। इस समय अजय 1 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। अजय के खेतों में होने वाले उत्पादों की बिक्री भी वो यहीं से करते हैं। इस दौरान वो देसी किस्मों की पैदावार लेते हैं। उनके खेत में होने वाले इन देसी उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिससे अजय को अन्य की तुलना में लगभग दोगुने का मुनाफा होता है। एग्रीकल्चर की तरफ मेरा आकर्षण 2016 में हुआ। 2016 में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ न्यूज़ मैंने सुना मध्य प्रदेश के किसानों की, सो बड़ा मुझे आहत हुआ मैं उन चीज़ों को लेके कि जो हमारा अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं से आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। सो वो एक इंस्टेंट पॉइंट था और वहाँ से मैं पूरा मोल्ड आउट हो गया। मैंने रिज़ाइन करा और सीधा चलाया कि नहीं जी, अब तो खेती ही करनी है।
और खेती के प्रारूप में भी मैंने जैविक खेती से स्टार्टअप करा। वेस्ट डीकम्पोजर का कंपोनेंट मिला, सो वेस्ट डीकम्पोजर के यूज से मैं गोबर को ट्रीट करता हूँ और ज़्यादातर तो कंपोज के रूप में देता हूँ। उसके साथ साथ बकरी का गोबर है जिसमें गौमूत्र के साथ मिला के हम अपने एनपीके के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नीम की खली है जिसको हम वेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी मेरे घर का जो कूड़ा है या आपके घर का जो कूड़ा निकलता है उसको भी डीकम्पोज करते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जैविक खेती का कोई मूल मंत्र तो नहीं है, ये सारी हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है उसी से जुड़ी हुई। जैविक खेती का सिर्फ आधार ये है कि वो खेती जो जीवों द्वारा या जीवों पर आधारित हो। सो कहीं ना कहीं से वो हम सारी चीज़ें जैसे हमारा गौमूत्र है, हमारा गोबर है, हमारे घर के या हमारे अपने आसपास पड़ोस में जो वेस्ट निकल रहा है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा समझा और उनके भी यहाँ पे खेती करी और वास्तव में इसी का भविष्य है आने वाले समय में। अजय सिंह पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। अजय के खेतों में होने वाले उत्पादों की बिक्री भी वो खेत से ही करते हैं। उनके खेत में होने वाले इन देसी उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। अजय को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल जाता है। जैविक खेती के लिए अजय इसमें इस्तेमाल होने वाली खाद और कीटनाशक को खुद ही तैयार करते हैं। डीकम्पोजर और नीम की खली को मिलाकर कीटनाशक, गोमूत्र और गोबर को मिलाकर खाद बनाते हैं। इसके अलावा अजय ने 5 पत्ती काढ़ा खाद, छाछ से छाछ रस और गोबर, गोमूत्र, बेसन, मिट्टी और गुड़ मिलाकर पंचगव्य बनाया है। ये तमाम जैविक खाद फसल के विकास में सही भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ ही कीटों के प्रभाव को भी कम करते हैं। चुनौतियाँ और चैलेंजेस तो बहुत हैं। एक तो हम इजीली इसको मोल्ड आउट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी बड़ा आदमी है पैसे हमें उसी से मिलने हैं। 10 रुपये किलो का टमाटर यदि मैं 20 रुपये में बेचना चाहूँगा तो नॉर्मल मार्केट में मुश्किल है। तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए मार्केट है क्योंकि गवर्नमेंट की भी तरफ से अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास रिसोर्स नहीं है या कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर जैविक जाके हम। दूसरी चीज़ क्या है कि 100 में से 95% किसान हमारा कहीं ना कहीं से इलिटरेट है, पढ़ा लिखा कम है। सर्टिफिकेशन हर एक चीज़ में आपको चाहिए तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। सो ये मेरा मुख्य चैलेंज है, बट उसको भी मैं चैलेंज नहीं मानता। यदि 1000 किसान मेरे साथ जुड़ा होगा तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉल खोल लूँगा, कहीं ना कहीं मार्केट में अपना प्लेस बना लूँगा ताकि उनको एक जगह इकट्ठा कर सकूँ और उनके प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, उनके बेचने की, उनको पैदा करने की। और एक जैविक की तरफ रुझान हुआ कि नहीं जी, कुछ ना कुछ विष मुक्त ही करना है, कुछ ऐसा करना है भविष्य में ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी भी सुरक्षित हो और हमारे जीवन शैली जो है उसमें भी सुधार हो, जिसके लिए कार्यरत रहा और करीब 3 साल लगा दिए मैंने ये छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाने में। और आज बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है कि नहीं जी, मेरे इस काम से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे लोग हैं और आज तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस COVID-19 के इम्पैक्ट में अब जैविक 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 चिल्ला रहा है और वास्तव में यही हमारा भविष्य है। आने वाले समय में यदि मेरा बच्चा या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी दूसरी तरफ कंपोनेंट्स में ज़्यादातर लोग फोकस रहते हैं, नहीं जी पैसा कैसे बढ़ेगा। तो यदि आज ही डेट में 3 साल के अंदर यदि 1000 किसान मेरे से जुड़ा है तो इसका भविष्य बहुत तगड़ा है। इस प्रोसेस पे यदि मैं किसानों को सस्त कर लूँगा, उनको जैविक खेती की तरफ आकर्षित कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डालूंगा, फिर सोचूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अभी तो सिर्फ एक फोकस है, नई जी बेस्ट से बेस्ट करना है ताकि हमारी पृथ्वी और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हों। जी जैविक खेतों के लिए खाद स्वयं बनाते हैं, डीकम्पोजर और नीम की खली को मिलाकर कीटनाशक बनाते हैं, गौमूत्र और गोबर को मिलाकर खाद तैयार की जाती है, 5 पत्ती काढ़ा खाद, छाछ से छाछ रस और गोबर, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी और गुड़ मिलाकर पंचगव्य बनाया। उनके खेतों में फल सब्जियों के अलावा फूलों के पौधे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब इतना आसान न था। शुरुआत में अजय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई बार की सफलता ने उन्हें सफलता की दहलीज पर ला खड़ा किया। आज उनके उत्पाद बड़ी आसानी से खरीदे जाते हैं क्योंकि जैविक रूप से तैयार उपज की गुणवत्ता और स्वाद में बहुत अंतर होता है, जिसकी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। अजय ने अपने इस जैविक मिशन में कई किसानों को जोड़ रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पाद बाजार में आए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। वो मानते हैं कि जैविक कृषि की तरफ विकास की भी कई गुंजाइश है, बस जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। अजय ने अपने इस जैविक मिशन में कई किसानों को जोड़ रखा है। अजय सिंह जैसे बाकी किसान और युवा अगर ठान लें तो हमारे देश में पूरी तरह से जैविक फसलें ली जा सकती हैं और इससे स्वास्थ्य ही नहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकता है।
गांव किसान में चलते चलते हम नजर डालते हैं 3 नए कृषि कानूनों पर। आइए जानते हैं क्या है उनके लाभ। प्रमुख कॉटन लिमिटेड गुजरात के मेहसाणा जिले में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्रोत्साहित एक किसान उत्पादक संगठन यानी FPO है, जिसमें 700 से अधिक किसान जुड़े हैं। हर दिन कपास की खरीद के लिए लगभग 300 ट्रक FPO पर पहुंच रहे हैं। यहां किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है, साथ ही किसान अपनी उपज के लिए नगद भुगतान भी हासिल कर रहे हैं। कॉटन लिमिटेड के सदस्य राजू भाई पटेल ने बताया कि इस समय कपास की खरीद जोरों पर है। सरकार APMC एक्ट में जो अभी सुधार लाई है, उससे काफी मात्रा में फायदा खेडूत को ही है। व्यापारी सीधा खेडूत से माल अभी परचेज कर रहा है, तो जो APMC का टैक्सेस लगते थे वो सब डायरेक्ट परचेज से निकल गए, खेडूतों को वो पास ऑन हो रहा है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी FPO पर पहुंच रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ लेन देन को अंजाम दे रहे हैं। कपास की खरीद करने वाली एजेंसियां किसानों को बेहतर मूल्य मिले, इस पर निगरानी भी रख रही हैं। किसानों ने अब अधिनियमों को पूरी तरह से समझ लिया है और APMC में अपनी उपज को बेचने के लिए आत्मविश्वास के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा, नई उम्मीदें लेकर आएगा। दीजिए इजाजत, गांव किसान के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।